चीन ताइवान तनाव पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के 22 फाइटर प्लेन ताइवान में घुस गए हैं। चीन के फाइटर प्लेन ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए हैं। ताइवान के साउथ वेस्ट में चीनी फाइटर प्लेन्स ने घुसपैठ की है। अभी हम आपको खबर दिखा रहे थे कि कैसे चीन ने बिल्कुल आगाज कर दिया है जंग का। ऐसा लगा कि साउथ चाइना सी में कभी भी जंग छिड़ जाएगी और अब एक बार फिर ताइवान के साउथ वेस्ट में चीनी फाइटर प्लेन्स की घुसपैठ की खबर। हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर विवेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, मतलब साफ है चीन ने जो कहा ब्रिक्स समिट में एक बार फिर वही दोहराता हुआ। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। और ये इसलिए तनाव उस इलाके में बढ़ रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो ताइवान के साथ हैं, वैसे वैसे चाइना उस पूरे इलाके में अपनी ताकत दिखा रहा है। और ब्रिक्स समिट में जब अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसी दरमियान ताइवान के एयर स्पेस में 22 फाइटर प्लेन जिसमें चीन के बॉम्बर शामिल हैं, जिसमें चीन के फाइटर प्लेन शामिल हैं, उनका घुसना ये बताता है कि चीन ताइवान पर किसी भी हद तक जाने के लिए न केवल तैयार है और उसको अगर इस मसले पर अमेरिका से टकराने की नौबत पड़ी तो वो हिचकेगा नहीं, वो एक सेकंड सोचेगा भी नहीं कि अगर ताइवान के मसले पर उसको अमेरिका से टकराना है। तो ये साउथ चाइना सी से लेके ताइवान स्ट्रीट तक गौरव पूरा जो माहौल है वो बहुत गर्म होता जा रहा है और वो दिन ब दिन जो तनाव है रूस यूक्रेन के साथ साथ इस पूरे इलाके में भी युद्ध के बादल न केवल मंडरा रहे हैं बल्कि तमाम जो इंटरनेशनल समीक्षक हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं डिफेंस में जो चीन और ताइवान को जो मॉनिटर करते हैं, उन वो लगातार ऐसी आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में चीन ताइवान में इन्वेजन शुरू कर सकता है। और वो जो जो जैसी लड़ाई यूक्रेन और रूस की अभी छिड़ी हुई है उससे भी खतरनाक युद्ध इस पूरे इलाके में छिड़ेगा। उसकी वजह गौरव यही है कि ताइवान की रक्षा का वचन अमेरिका दे चुका है और अगर ताइवान पर चाइना अटैक करता है तो फिर ये लड़ाई चाइना और अमेरिका की होगी जो साउथ चाइना सी से लेके इंडो पैसिफिक और आगे तक जाने की आशंका जिसकी जताई जा चुकी है।